सभी को जय हिंद। अभी जस्ट मुझे एक बंदे का कॉल आया है कि सर मुझे मेडिकल में पॉइंट दे रखा है, वो भी कलर विजन का। दूसरा जो अपना जो पेन रख के जो यहाँ पे घुमाया जाता है ना, वो स्पेशली उसका भी पॉइंट दे रखा है बंदे को। तो क्या ये जो पॉइंट टूटेंगे नहीं टूटेंगे, और इसमें ये क्या हम इंडियन आर्मी का सपना छोड़ दें, क्या क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में देखो। आपको उसमें देखो मैंने सही प्रकार से उसको गाइड किया है, सही से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। यदि आपको ऐसा पॉइंट दे देते हैं तो आपको क्या करना है समझ दो इस वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कोई दिक्कत जरूर बताना मुझे। वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देख लेना। सबसे पहले तो एक चीज़ करो, आप घबराओ मत। सबसे बड़ी कमजोरी अपनी यही होती है, घबरा जाओगे और दलालों के चक्कर में पड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसी गलती कब मत करना, क्योंकि कोई भी पॉइंट इंडियन आर्मी में जो मिलता है आपको वेरीफाई करने के लिए होता है, आपको MH दिया जाता है, आपको वापस वहाँ पे जाकर चेक कराना होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ऐसे नेगेटिव वे में ले जाती है कि मेरा ये वहाँ पे न्यू हुआ नहीं टूटा तो क्या होगा, और ऐसे चक्रों में आप दलालों के चक्रों में पड़ जाते हो और आपके जो पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और जो पास हो जाता है तो पैसे तो आपसे हड़प देगा, और यदि आपका नहीं हुआ तो वो आपको पैसे वापस रिटर्न करेगा। वो क्या दे, पैसे करता नहीं है पर कभी कभी कर देते हैं बंदे, ठीक है। ऐसी चीज़ों में जो मत तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपको टाइम मिला है, जो आपके 15 दिन हो 10 दिन हो, अपने अच्छे से डॉक्टर मिलो। जो भी आपको पॉइंट मिला है उसके लिए जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो होते हैं आपके, स्पेशली जो आपको आपको आँख का पॉइंट मिला है तो आपको आँख के डॉक्टर से मिलना है, कान का मिला तो कान के डॉक्टर से ही मिलना है, यदि नाक को मिलता है तो आपको नाक से, यानी जो जो डॉक्टर है स्पेशली इसी चीज़ में जो ज़्यादा जो उनका एक्सपीरियंस है उससे मिलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से अच्छे इलाज कराओ, और वापस जो आपको 7-8 दिन में जो आपको बुलाया गया है तो उसमें आप जाके चेकआउट कराओ। सब पॉइंट टूट जाते हैं यार, फॉलो करो इस चीज़ों को। पर एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको MH मिलते हैं वो आपको टूट जाते हैं, जो MH मिला आपको वापस दोबारा वेरीफाई करने के लिए होता है, दोबारा वापस चेक करते हैं, उसके बाद में जो आपको पॉइंट यदि चल जाता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको वापस पॉइंट देते हैं, ऐसे जो होता है। पर मैं आपको ज़्यादा आपको यही रेफर करूँगा मेरे भाई कि आप चाहे जो भी इसके स्पेशल जो आपके डॉक्टर हैं आँख के हैं कान के हैं जिसको आपको जो भी पॉइंट मिला है उसके स्पेशल डॉक्टर से जाकर मिलो, कहीं कहीं इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको वहीं से। सभी को यही चीज़ कहूँगा, और किसी और चक्रों में मत पड़ो। सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, तैयारी भी ध्यान देना, ठीक है।